देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ ऐसी बेलें लगानी है जो बहुत जल्दी जड़ पकड़ लें, तो मैं आज उनके नाम आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये मनी प्लांट। मनी प्लांट में आसानी से ये लग जाएगा। अगर आप जैसे कि देखिए, ये रूट्स निकल रही है, यहीं से कट करके आप कहीं भी लगाएंगे तो ये प्लांट्स हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर आप देखिए, ये मैंने लगाई है कृष्ण कमल की बेल और बहुत जल्दी इसने ग्रोथ पकड़ ली। और आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ पर ना इस जगह पे नोड एरिया में एक छोटा सा लीप्स भी निकलनी स्टार्ट हो गई है देखिए। और उसके बाद देखिए, कटिंग से होने वाला तो ये भी प्लांट है, लेकिन ये वाइन नहीं है। देखिए इसके तीन कलर हैं, ये पर्पल है, ये गुलाबी है, ये वाइट है। तीनों कलर मेरे पास इसमें अवेलेबल है। अब देखिए, मैं आज आपको एक बात और बता देती हूँ। लोग पूछते हैं मुझसे कि मैंने ये चमकीला वाला कागज़ क्यों लगाया, तो ये इसलिए लगाया है कि यहाँ पर गिलहरियाँ आती थी और जो मेरे ये बैंगन के प्लांट है ना, इनको सब खा जाती थी। तो इसके डर से ना, मेरे यहाँ पर अब बैंगन के प्लांट्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो अगर आपके यहाँ गिलहरियाँ आती हैं ना, खाती हैं, तो आप इसी तरह से ये वाले चमकीला वाला पेपर लगा सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पान की वेल है। पान की बेल को मैंने इस तरह से मॉस स्टिक तैयार किया हुआ है। ये मेरे घर का बनाया हुआ है और कभी मैं आपको मॉस स्टिक का भी प्रोसेस बताऊंगी किस तरह से मॉस स्टिक तैयार होती है। मैंने देखिए एक कटिंग लाके लगाई है और देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से ये स्टार्ट हो गई। तो वाइन में आपकी ये भी बहुत आसानी से लग जाएगी। देखिए एक ये भी है, पहले ना मेरे लटके रहते थे तो शायद इतनी बढ़िया नहीं होती थी, और इस बार इसने इस तरह से दीवार को पकड़ लिया और देखिए बिल्कुल वाइन की तरह चल रही है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं कर रहा। और इसमें देखिए हर नोड एरिया में देखिए ये रूट्स निकल आई हैं। तो आप कहीं से भी तोड़ो, कहीं से भी लगाओ, बहुत आसानी से हो जाता है। बाद ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन है, इसके कई कलर हैं। एक ये है, एक देखिए पर्पल कलर है, और ये तो बहुत जल्दी रूट्स पकड़ती हैं। और आप देखिए इस टाइम आप देख सकते हैं, देखिए हर नोड एरिया में ये रूट्स निकल रही हैं। सबसे बेस्ट है ये गणेश बेल। गणेश बेल को मैंने ये कटिंग के द्वारा, मेरी टूट गई थी, बंदर तोड़ गए थे और मैंने इसको यहाँ लगा दिया। और देखिए जो इस पर कलियाँ थी ना, वो भी आसानी से खिल रही हैं और पत्ते भी बिल्कुल अच्छे से हैं। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ मैंने अपनी गणेश बेल किस तरह से लगाई है। और ये पहले ना ऊपर थी, जाल पर थी, तो बंदर रोज़ तोड़ जाते थे। मैंने इस तरह से इसको, अभी मैं ना इसको शेप देने की कोशिश करूँगी, कुछ शेप दे दूँगी ना तो बहुत सुंदर सा लुक आएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बाइन लगा लीजिए और आसानी से लग जाती है, कहीं भी मिले ना। तो बस ज़्यादा नहीं तोड़नी है, 3 इंची की कटिंग तोड़ें और इसमें लगा लें। तो देखिए कितना सुंदर आपका बगीचा हो जाता है। देखिए मेरे भी बहुत से प्लांट्स कटिंग से लगे हुए हैं और बहुत से मैंने खुद खरीदे हुए हैं, जो कि खरीदे हुए हैं ना बहुत टाइम से चल रहे हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने बगिया में छोटी छोटी सी कटिंग लगाइए, कहीं से मिल जाए तो ले लें, अगर कहीं से तोड़कर भी लानी पड़े ना तो मैं मानती हूँ कोई गलत नहीं है, आसानी से तोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।